और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, दो दिन पहले बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर सियासत अब चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साध रही है और इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए और बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश करने का बहुत संगीन आरोप भी यहाँ पर लगाया गया है। केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है, ममता बनर्जी के राज को खत्म करना होगा, गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया। बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है, बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं हो करके वो डिक्टेटर की भूमिका में है और अपने को समझती है कि ये भारत से कटा हुआ है, ये किम जोंग की तरह ट्रीट करती है कोरिया के प्रेसिडेंट की तरह। इस्लामिक स्टेट बनाने पर लगी हुई है ममता। बंगाल की कानून व्यवस्था पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। उधर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ईडी के बहाने विपक्ष पर हमला बोला और इस बात की आशंका जताई कि बंगाल की तरफ बिहार में भी आरजेडी के लोग ईडी पर हमला कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही तो उन पर हमला हो रहा है और मुझे तो डर है कि कल बंगाल में हुआ लेकिन बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है और यहाँ पर अगर लालू परिवार पर सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई करती है तो उन पर भी हमला हो सकता है। इसलिए सीबीआई ईडी के लोग जब बिहार में कोई कार्रवाई करें तो पूरी तैयारी से करें, पैरामिलिट्री फोर्स लेकर करें।